Does मैस्टरबेशन रियली अफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ? डज मैस्टरबेशन रियली इफेक्ट ऑन योर गेन्स? सो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या अगर आप मैस्टरबेट करते हैं तो क्या वो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट कर रही है, आपकी वो जिम के ऊपर इफेक्ट कर रही है, क्या अगर आप मैस्टरबेट करते हैं तो आपको जिम जाने का कोई फायदा नहीं है। सो माय सेल्फ इज जलूटा, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले ये सब चीजें जो मैंने आप लोग को बताई। सो अगर आप इस चीज के आंसर जानना चाहते हैं तो वीडियो को टिल द एंड वॉच कर लें। सो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप जिम जाते हो तो अगर आप मैस्टरबेट भी करते हो तो आपका जिम जाने का फायदा है फिर नहीं। तो अगर आप मैस्टरबेट करते हो कि क्या आपके मसल्स बन पाएंगे या फिर नहीं। सो इस वीडियो में आपके सारे मिथ्स क्लियर होने वाले हैं। सो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक। सो जैसा मैं बात कर रहा था कि मैस्टरबेट करने से हमारे जिम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम मैस्टरबेट करते हैं तो क्या हमारे मसल्स बनेंगे, मैस्टरबेट करने से हमारे जिम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, अगर हमारे मसल्स बन पाएंगे क्या हमारे मसल्स कमजोर हो जाएंगे, क्या हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर असर आएगा। सो देखो पहले मैस्टरबेशन के बारे में बात करते हैं, क्या होता है, ये क्यों होता है और हमें करना चाहिए या फिर नहीं। तो जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, प्यूबर्टी हिट करते हैं, तो तब हमारी बॉडी में ज्यादा अर्जीज होती है कि हम कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करें, सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करें, क्योंकि हमारे अंदर ज्यादा फैंटेसीज आ रही होती हैं उस टाइम पे। तो उस फैंटेसीज को खत्म करने के लिए हम लोग मैस्टरबेशन करते हैं उस टाइम के ऊपर, सो जो हमारे लिए बहुत सही चीज है। सो मैस्टरबेशन करने से क्या होता है, ऐसा कि जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो जो हमारी इजेकुलेशन होती है वो स्पर्म्स हमारी बॉडी में से निकलते हैं, और जो हम मैस्टरबेट करते हैं हमारी बॉडी में से स्पर्म्स निकलते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं होता वो दोनों स्पर्म्स जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो भी वो सेम होते हैं, जब हम मैस्टरबेट करते हैं तो भी सेम होते हैं। सो मेन मोटिव रहता है जो हमारी बॉडी में जो व्हाइट सीमन निकलता है हमारी बॉडी से, वो हमारी फैंटेसीज होती हैं जो हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करके निकाल देते हैं या फिर हम मैस्टरबेट करके निकाल देते हैं। सो ये बोथ प्रोसेस आर नेचुरल, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है कि अगर आप मैस्टरबेट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत गलत चीज़ है। सो क्या इफेक्ट आता है अगर आप जिम जाते हो और मैस्टरबेट भी करते हो? क्वेश्चन कैसे राइज हुआ? ये क्वेश्चन इस तरह से राइज हुआ, मेरे जिम में मुझसे कई लोगों ने पूछ लिया कि भाई मैस्टरबेशन कितना करना चाहिए, दिन में कितना बार करना चाहिए, एक हफ्ते में कितना बार करना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि मैं डेफिनेटली आपको इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना के दूंगा, सो आप इस चीज़ को पहले समझे। सो जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैस्टरबेशन करना हेल्दी है या फिर नहीं हेल्दी, कितना करना चाहिए, कितना हेल्दी है, एक दिन में कितनी बार, एक महीने में कितनी बार, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखो सबसे पहले अगर आप जिम जाते हो, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, आपकी बॉडी हाईली एक्टिव है और आप में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बने, क्योंकि जो बंदे ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जो बंदे जिम जाते हैं, उनका नेचुरली टेस्टोस्टेरोन पीक के ऊपर होता है। सो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन पीक के ऊपर है तो आपके डेफिनेटली आपको फैंटेसी ज्यादा होगी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हमारा मेल फंक्शंस करता है हमारी बॉडी में, सारे हमारे मेल फंक्शंस टेस्टोस्टेरोन से ही होते हैं। सो अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, जिम जाते हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनेगा और आपको फैंटेसीज भी ज्यादा होंगी। सो अगर आपको फैंटेसीज भी ज्यादा होती हैं तो ऑब्वियस ही बात है आप फैंटेसीज को खत्म करने के लिए किसी ना किसी तरीके को चूज करोगे, या आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे या फिर आप मैस्टरबेट करोगे। सो देखो अगर आपका मन करता है कि मेरी बॉडी में ज्यादा फैंटेसीज होती है, कि आपका मन करता है कि मैं मैस्टरबेट करूं या फिर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करूं, तो उस चीज में कोई भी घबराहट ना रखे कि यार मैं करूं या ना करूं, क्या अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे जो मसल्स नहीं बनेंगे, मेरी जो बॉडी की रिकवरी नहीं होगी, मेरी जो स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी। सो ऐसी बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं कि हम अगर मैस्टरबेट करते हैं या कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसके 12 घंटे के बाद कोई भी हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ की कमी नहीं होती, हमारी बॉडी एज यूजुअल चल रही होती है, जैसे हम पहले हमारी बॉडी को चला रहे होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, ये बिल्कुल बकवास बातें होती है जो लोग बोलते हैं यूट्यूब के ऊपर भी, और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि बोल रहे हैं कि सेक्स करना मना है, मैस्टरबेट भी ना किया करो जिससे आपकी जो बॉडी नहीं बनेगी, यार ये सब बकवास बातें होती है, प्लीज आप इस वहम में से बाहर निकले, और ये बहुत नेचुरल प्रोसेस होता है आप सब लोगों के लिए, अगर ये चीज गलत होती तो हमारी बॉडी में ये चीज होती ही नहीं। सो देखो मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि कोई भी चीज अगर एक्सेस में करोगे तो वो चीज आप लोग के लिए गलत है, अगर आप कोई भी चीज लिमिट में कर रहे हो तो वो चीज आपके लिए हमेशा बेनिफिट देगी। अगर आप एक दिन में 5-5 बार करोगे तो भाई सीधी सी बात है आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डेफिनेटली असर आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही अच्छे से। अगर आपका मन कर रहा है कि आपको फैंटेसी हो रही है आपके दिमाग में, तो आप करोगे, कोई भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी कि आपका जिम में स्ट्रेंथ लूज हो गया, कि आपके मसल्स लूज हो गए, आपके टेस्टोस्टेरोन आपके कमी आ गया। सो मैस्टरबेशन का हमारी बॉडी बिल्डिंग के ऊपर 1% भी फर्क नहीं पड़ता अगर आप उस चीज को लिमिट में कर रहे हो। सो अब मेरे को पूछेंगे लोग कि हम करें कितनी बार, हमारा तो रोज ही मन करता है। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी बंदे को रोज मन करता है, यार मेरे से क्यों पूछ रहे हो, तो आपकी बॉडी, आपको पता है कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आप वर्कआउट कर रहे हो, अगले दिन आपको ज्यादा पेन हो रहा है बॉडी में, या फिर अगर आपको ज्यादा पेन नहीं हो रहा आपकी बॉडी में, आपकी मसल्स अच्छे से रिकवर कर रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप कर सकते हो रोज।
अगर किसी बंदे का रोज मसल पेन होता है, उसका मसल पेन 2-3 दिन जाके ठीक होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि 2-3 दिन में एक बार करेगा। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। सो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव है कि बॉडी बिल्डिंग के ऊपर मैस्टर्बेशन या सेक्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। कई बार तो मैंने देखा है कि जो लोग बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो लोग किसी भी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कोई भी जिनका इंटरव्यू होता है, सो देखो उनके दिमाग में नर्वसनेस रहती है कि सेक्स और जो आपकी मैस्टर्बेशन होती है ये आपकी सीधा सीधा आपकी जो नर्वसनेस होती है, आपका जो माइंड है वो उसको रिलैक्स कर देती है। सो कुछ लोग तो ऐसा भी होते हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करके और मैस्टर्बेशन करके कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने जाते हैं, क्योंकि उनका जो माइंड है उस टाइम पे बिल्कुल रिलैक्स हुआ होता है और इस चीज़ का उनको बेनिफिट होता है उनकी परफॉर्मेंस में। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सेक्स का और मैस्टर्बेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता हमारी बॉडी बिल्डिंग और हमारा जो स्ट्रेंथ होती है उससे। सो प्लीज़ आप इस वहम से बाहर निकलो, जो लोग आपको इस तरह से मिसगाइड करते हैं सो प्लीज़ उन्हें छोड़े। सो ये थी मेरी कुछ आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन के ऊपर जरूर क्लिक करें। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप यहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे लेटेस्ट अपलोड स्टोरीज के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।